अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बन रहा है नाश्ता, आई डोंट नो क्या क्या होगा इसमें, मगर मुझे फ्रिज में मशरूम्स नज़र आए और मुझे साथ स्पिनिच नज़र आया, तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ बना लेते हैं। और टोमेटो पेस्ट भी पड़ी थी और अंडे भी पड़े थे, और इसके साथ मैंने बनाना और ब्लूबेरी का मिल्क शेक बनाया है। एंड अब देखते हैं कि क्या बनता है। मुझे ना बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैं नाश्ता करती हूँ तो फिर इट हैज़ टू बी प्रॉपर, लाइक नाइसली डन। और अगर मुझे लगे कि नाइस बनने की पोटेंशियल नहीं है तो फिर मैं नाश्ता करती ही नहीं हूँ, बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ इट। अभी तो आई डोंट हैव सार्डो, तो इतने दिनों से मेरा दिल ही नहीं करा नाश्ता करने का, मगर आज फ्राइड अंडे का आ रही थी थोड़ी क्रेविंग, सो बनाते हैं। नाश्ता तो बन गया, देखते हैं अब कि कैसा बना है। आया है, पार्सल खोलेंगे। क्या बात है, ओह वाह, ये आपकी जो स्वेटशर्ट टाइप मंगवाई थी। हाँ या नाइस, वेरी गुड, ये आप पहन सकते हो। अच्छा, ट्रिप पे। हाँ ये मेरी है। या ये, हाँ ये सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, लिनन टाइप है। लिनन टाइप से थोड़ा भारी है, कॉटन टाइप से। वेरी क्यूट। ओके नाइस, वेरी नाइस कलर है ना। यह हसीब जी का है। तो डिफरेंट है असल में से। हाँ इसको रिटर्न कैसे करा सकते हैं, पहन के दिखाना क्या पता। हाँ वाइट के नीचे देखो, अच्छी लगेगी शायद। वाओ ये क्यूट है, दिखाओ खोल। क्यूट, ये अच्छा, या नाइस। स्ट्रेच कर रहे हो आप इसको? नहीं नहीं, कपड़ा। वाओ न्यू पैकेज, क्या है? स्क्रीन आई है, स्क्रीन ऑफिस से स्क्रीन आई है। ये तो है आपके पास? यस। हसीब जी का मैं वर्क स्पेस दिखा दूं पहले। ये देखें जी, ये इन्होंने कुछ लगाया हुआ है टेबल के साथ, जिसके दो मुंह है आगे से, एक मुंह के साथ ही लगा हुआ है, और ये जो दूसरा मुंह है इसके साथ स्क्रीन लगेगी। ये कोई छोटी स्क्रीन लगी हुई है, ये एक लैपटॉप है जो ऑफिस वाला है, और ये सीप का अपना लैपटॉप है। ये हमने आइकिया से लिया था, वेरी नाइस एंड प्रोडक्टिव, इस तरह काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। एंड लुक एट माई स्पेस, ये मेरा लैपटॉप है और ये आईपैड है, ताकि इसके ऊपर मैं फ्रेंड्स देख पाऊँ। ऑफकोर्स स्क्रीन आ गई है, माई गॉड इट इज़ वेरी बिग। हसीब की ज़्यादा स्क्रीन हो गई हैं, तो एक स्क्रीन मुझे दे रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप भी तो खोलना होता है, लैपटॉप खोलने की जगह नहीं है। तो अब मेरी प्रमोशन होगी गाइस, वाओ ये ऐसे रखेंगे और दूसरी स्क्रीन इसके ऊपर आएगी। ओ माई गॉड, तो आपके पास तो कीबोर्ड नहीं होगा? नहीं मेरी कीबोर्ड नहीं चाहिए, मैं ये मैक खोलूंगा ना। ओके आप लैपटॉप खोलोगे, ओ माई गॉड गाइस इज सो फैंसी। ये है जी फाइनल सेटअप, टाइम टू टेक अ शावर। नहा धो लिया, शलवार कमीज पहन लिए, और अब हम बैठ के करेंगे काम। तो अगले दो घंटे मुझे कोई तंग ना करे प्लीज। एंड आई एम सो हैप्पी विद माय न्यू सेटअप, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज सो नाइस।
You know what time it is? ये हमारे सिंक के नीचे जो जगह है ना, ये इन्होंने दी हुई है डस्टबिन के लिए, मगर इतना कम गंद कहाँ होता है। तो हमने इसके अंदर ना अपनी सारी वाली चीज़ें की हुई है अरेंज, सफाई वाली शॉपर और रीफिल्स के लिए ना, और छाननियाँ मेरी यहाँ पड़ी हैं, और इसके साथ असीब ने ना यहाँ ये लगाया हुआ, ये बहुत फिट है, क्योंकि जो शॉपर होते हैं ये समझ नहीं आती कि किधर गए, कितने रह गए हैं। सो ये टेप के साथ ना असीब ने यहाँ लगाया हुआ, आई थिंक ही गॉट इट फ्रॉम टिमू, दो तीन लिए हुए हैं असीब ने। सो ये हमें पता होता है कि जो येलो वाली है इसका बड़ा साइज़ है, दिस हैज़ टू गो हियर। आई थिंक द ग्रीन वन इज़ फॉर द फूड वेस्ट, तो मैं ग्रीन वन यूज़ करूँगी ये जो अनफॉर्चुनेटली खाना ज़ाया हो रहा है उसके लिए। एंड ये वाला जो है ये आई थिंक मीडियम साइज़ है, एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द स्मॉलेस्ट वन जो बाथरूम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। सो या ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाय द वे दिस कॉट सेट, दिस कुर्ता सेट इज़ फ्रॉम खाड़ी, कोई 2 साल पुराना, एंड इट्स सो ब्रीजी एंड सो कम्फर्टेबल, सो सॉफ्ट। आई डोंट थिंक एनी अदर मटीरियल कैन बीट जो ब्रीजी एंड लाइटनेस इस लॉन में होती है, और लॉन भी सबकी लॉन नहीं, एक खाड़ी टाइप्स जो लॉन है ना, टू गुड। मतलब इट्स स्ट्रेचेबल, इट्स लाइट, इट्स क्या है, कमाल। किचन की हो गई है रिप्लेसमेंट, अब हम और घर की रिप्लेसमेंट करते हैं, एंड देन वापस आते हैं, हाथ धोते हैं और चिकन कढ़ाई बनाते हैं। मैन एंड देयर वियर्ड फैसिनेशन विद नॉट क्लोजिंग देयर वार्डरोब, पर्दे ऊपर करेंगे और अब हम पढ़ेंगे नमाज। जायनमाज बिछी हुई है एंड दुपट्टा इधर पड़ा हुआ है, तो पढ़ते हैं फिर नमाज। ये देखें, ये भी हसीब जी की इन्वेंशन है, उन्होंने ये स्टैंड मंगवाया इस्त्री के लिए, बिकॉज जब आप इस्त्री करते हैं उसके बाद बहुत गर्म होती है, देन यू हैव टू वेट अ लॉट ऑफ टाइम कि आप कहीं अंदर स्टोर कर पाओ। सो हसीब ने ये मंगवाई है, इसको क्या कहते हैं स्टील, ताकि इसके ऊपर गर्म इस्त्री भी हसीब खड़ी कर दें और कोई मैस ना हो। सो वी लेफ्ट ये वाला कॉर्नर अलमारी का, ताकि इसके अंदर इसका भी अपना स्टैंड आता है, और इधर आई थिंक कोई शायद स्विच भी है या फिर एक्सटेंशन हसीब लेके आए, ताकि ये भी ना इधर हैंग हो जाए और नज़र ना आए फिर। तो एंड टिल वी गेट अ लॉन्ड्री बास्केट, दिस इज़ आवर लॉन्ड्री बास्केट। सो ये अभी हमने यहाँ कपड़े रखे हुए हैं जो आए हैं आज, ताकि हम इनको प्रॉपर ट्राई करके देखें एंड फिर हम रिटर्न करें जो नहीं है सही। एंड प्लीज़ इज्तमाई दुआ करें कि मुझे बहुत अच्छा कोई बेड मिल जाए, जो मैं चाहती हूँ मुझे वैसा मिल जाए, मगर महंगा ना मिला, प्लीज़ इज्तमाई दुआ। Did I show you guys these? By the way, they are so cute. ये चाबियाँ लटकाने के लिए हैं, इनके पीछे टेप लगी हुई है, ताकि आप आराम से कौन से लगा लो और फिर उतार लो। हमने दीवार के ऊपर नहीं लगाए, बिकॉज वो टेप जो है वो काफ़ी सख्त होती है ना, तो वो सारा पेंट उतर आता, तो वी डोंट वांट दैट, तो इसलिए हमने कम अलमारी के साथ ही लगा दें, चुप भी जाएगी, ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा। एंड वी गॉट दीज फ्रॉम आइकिया, इन्होंने क्यूट एम्स्टरडम टाइप स्टाइल घर बनाया है। एंड ये वाली मेरी चाबी है, ये एयर टैग लगा हुआ है, बिकॉज आई एम वेरी 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 क्लमजी एंड वेरी इरेस्पॉन्सिबल इन लाइफ, तो इनके सलाह माफ रख दाना, हाँ सा चाबी गुमती है, सो वी वुड नो वेयर इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एयर टैग। एंड वी गॉट दीज फ्रॉम आइकिया फॉर 1 यूरो, सो गुड परचेज। मैं सोच रही थी कि मेरे सर में क्यों दर्द हो रही है, देन आई रियलाइज एंड आई लुक एट दिस बॉटल, और ये मैंने पी नहीं है सुबह से, एंड दैट्स व्हाई, इसको बैठ के पीती हूँ मैं पहले। प्लीज़ मुझे बताएं कि आलू कैसे स्टोर करते हैं आप लोग, बिकॉज हम जो स्टोर करते हैं बाहर रखते हैं तो ये स्प्राउट्स बन जाते हैं, मतलब, और ये ख़राब है ना, वी कांट यूज़ देम एनीमोर, तो ये ज़ाया, तो मेरे अब 4 आलू ज़ाया हो गए हैं बेचारे, इनके ऊपर ही लग गया, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब
क्या करूँ मैं, और ये वाले अभी ठीक हैं। सो आई डोंट नो कि ये कुछ ख़राब हो रहे हैं कुछ ठीक हैं, क्या हो क्या रहा है मतलब। सोच रही हूँ चिकन कढ़ाई बनाऊँ या आलू चिकन बनाऊँ, या फिर सोच रही हूँ कि दोनों बना लूँ, आज एक खा लेंगे और कल दूसरा खा लेंगे, और परसों तो हमने चले जाना है ट्रिप पे इंशाल्लाह। सो एक दफ़ा काम मुकाम था कि कल फिर मैं और कुछ कर पाऊँ ज़िंदगी में, या आई थिंक यही कर लेना चाहिए। ये अपडेट है कि बन रही है चिकन कढ़ाई और बनने लगा है बीफ का कीमा। तो ऐसी कुछ हाल है, हम ये लेके आए थे एक वॉक टीके मैक्स से, बहुत देर से हमें ये चाहिए था, बड़ा कूल लगता था। आज मैंने कहा चिकन कढ़ाई इसमें बना के देखते हैं, और मैं चिकन कढ़ाई की आज रेसिपी भी चेंज कर रही हूँ। अम्मा जी ने कहा है कि चिकन को अलग फ्राई करो और मसाला अलग बनाओ, एंड देन मिक्स देम अप टुगेदर सो दैट द चिकन डजंट ब्रेक। एंड मसाला ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, मेरे आँख में और नाक में चला गया। ये बन रहा है मसाला और ये है चिकन, एंड ये प्याज जो मैंने फेंकने हैं ये मैंने बचाए हैं अपने उसके लिए कीमे के लिए, एंड आई थिंक आलू कीमा बना लेंगे। एंड हम ये यूज़ करते होते हैं टमाटर बिकॉज दे जस्ट वेरी इजी। वैसे नॉर्मली चिकन कढ़ाई के लिए भी यूज़ एक्चुअल टमाटर बिकॉज उसका जायका बेहतर आता है, मगर अभी मेरे पास थे नहीं, मैंने कहा इट्स फाइन। एंड मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना शुरू करना है बिकॉज वी वर यूजिंग दिस वन, एंड ये ख़त्म हो गए। और मैं जो वैसे भी इतना को ख़ास पसंद नहीं आया बिकॉज इसमें अजीब सा पानी था, एंड इट वाज जस्ट फेल्ट रॉन्ग इन लाइफ। तो अब बस मैंने अब खुद से बनाना है। मसाला यहाँ से इधर कर लिया है, उसका जो ऑयल और वो पता नहीं क्या कुछ था वो मैंने इसमें निकाल लिया है। सो अभी तक तो सही लग रही है। Guys, I have a proper electric chopper, मगर मुझे इतना मज़ा आता नहीं करने का कि मैं आई ऑलवेज एंड अप यूजिंग दिस। लुक सो प्रिटी। मैंने जिंजर भी और गार्लिक भी इसी में डाल दिया था, सो वेयर सॉर्टेड फॉर द कीमा नाउ। ऑल डन फॉर नाउ, रोटी तो बनानी है बाद में, मगर अभी के लिए इन्हें उतार सकती हूँ। अब बैठने लगी थी मैं टीवी का रिमोट पकड़ के, क्या मैं देखूंगी व्लॉग, फिर याद आया महा आपका व्लॉग कौन बनाएगा तो बनाती हूँ व्लॉग। देखो गाइस मेहनत कर रही हूँ, सब्सक्राइब आई थिंक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब करें लाइक करें, जो वो सब दूसरे व्लॉगर्स बेचारे खप रहे होते हैं ना कि करें, वो आप सब करते हैं, कर दें बाय।